हे गाइस, वी आर बैक विद द न्यू रेसिपी। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे बेसन। तो हमने ग्राम फ्लोर ले लिया है, सॉल्ट लगेगा हमें, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर लिया है हमने, वो लगेगा, थोड़ी सी हींग लगेगी, ऑयल लगेगा हमें मोयन देने के लिए, और ये पापड़ का खार है जो इट्स एक्टिवेटर, तो वो यूज़ करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोसेस में मिलते हैं गाइस। जिस बाउल में हमने ग्राम फ्लोर लिया था उसमें अब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो सॉल्ट एज पर टेस्ट लगेगा इसमें। नेक्स्ट हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, अराउंड 1/3 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। चिली पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें, अराउंड 1/2 टीस्पून हमने इसमें चिली पाउडर ऐड कर लिया। हींग पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो पिंच ऑफ हींग ऐड कर दी हमने। पापड़ का खार डाल रहे हैं अब हम, तो जो पाउडर पापड़ का खार आता है उसी को ऐड कर रहे हैं हम। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ ग्राम फ्लोर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को। दो नीड करना है हमें, एकदम सॉफ्ट दो नीड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमने डो जो है वो बना लिया है। अब नेक्स्ट हम अपनी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने ले लिया है एक फ्लैट सरफेस वाला पैन और उसमें डाल दिया है ऑयल और इसे स्लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। तो अब हम अपने फाफड़ा बनाने की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाते हैं। गाइस, हमने एक रोल ले लिया है और उसको हम जो हमारे पास में प्रेस करने के लिए, अगर आपके पास में रोलिंग पिन है तो रोलिंग पिन यूज़ कर लें। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा फाफड़ा जो है वो एकदम रेडी हो गया है और इसे हम फ्राई करने के लिए आगे ले लेंगे। ऑयल पैन में हम अपना फाफड़ा जो है वो ऐड कर रहे हैं। फाफड़ा है वो फ्राई करने के लिए डाल दिया था, डीप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। इसे ब्राउन ना होने दें, ये ऑलमोस्ट अब रेडी है तो इसे निकाल देंगे हम। सो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं पपीते की चटनी और उसके लिए हमने जो पपीता है, रॉ पपाया लिया था हमने, उसे हमने ग्रेट कर दिया है और ग्रेट करके हमने चिली जो है, ग्रीन चिली, उसे स्लिट कर दी है, स्लिट ओपन करके दो दो उसे कट कर दिया है। अब हम पपाया जो है, रॉ पपाया, उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहे हैं अब हम इसमें, हल्का सा हमें टर्मरिक पाउडर लगेगा। तो हमने ले लिया पैन और उसमें ले लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें हम हींग पाउडर ऐड कर रहे हैं। हमने जो पपाया रखा था और ग्रीन चिलीज रखी थी उसे अब हम ऑयल में एक एक करके डालने लगेंगे। पपाया ऐड कर देंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे।
इसे हल्का सा हम कुक होने देंगे। सो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, हमारी पपीते की चटनी एकदम रेडी है, तो हम इसे अपना फाफड़ा के साथ में सर्व कर सकते हैं। गाइस फाफड़ा जो है वो हमारा एकदम रेडी हो गया है, तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम आपके लिए और नई रेसिपीज ला सकें। एंजॉय।